अब आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग कौन से होते हैं कि वो बातें जो हमें प्रेरणा देती हैं, और ये सबसे आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लेसन है वो है, क्योंकि आप अर्जुन के बारे में भी जानते हैं, आप एकलव्य के बारे में भी जानते हैं। इनकी स्टोरी क्या है, आपको पता है कि महाभारत में जो पांडव थे उनमें से अर्जुन सबसे प्रसिद्ध धनुधारी था, और एकलव्य गया था किसके पास, अर्जुन के गुरु के पास, जो कि गुरु द्रोण थे। तो गुरु द्रोण के पास एकलव्य जाता है और उनसे कहता है कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, क्योंकि उसका इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो सीखना चाहता था। लेकिन गुरु द्रोण किसी को भी, मतलब राजवंश के लोगों को या क्षत्रियों को शिक्षा देने के अलावा और किसी को भी शिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा नहीं दी थी, और फिर कर्ण ने परशुराम जी से जाकर के शिक्षा प्राप्त की थी। तो गुरु द्रोण मना कर देते हैं एकलव्य को शिक्षा देने से। तो एक दिन वो पांडवों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गुरु द्रोण कहीं जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है, वो भौंक रहा था बहुत ज्यादा। तो थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि उस कुत्ते का मुंह तीरों से भरा हुआ है, वो अब भौंक नहीं सकता, लेकिन उस कुत्ते को जरा सी भी चोट नहीं आई थी। तो वो ये बात देख करके हैरान रह गए कि ऐसा कौन कर सकता है कि इसका पूरा मुंह तीरों से भर रखा है लेकिन कुत्ते को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसका भौंकना बंद हुआ है। तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि तुमसे और मतलब तगड़ा धनुर्धारी इस संसार में कोई नहीं है, और ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। कुत्ते को हानि पहुंचाए बिना अगर मुझे इसका मुंह बंद करना है तो मैं भी इस काम को करने में असमर्थ हूं, ऐसा किसने किया? तो अपने शिष्यों की और खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़का है, वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, और उसके तीरों में मतलब जो गुरु द्रोण से भी ज्यादा तीव्रता है, और ज्यादा उस बहुत अभ्यास में इतना मग्न है कि जैसे ही वो फिर उन्होंने देखा कि उसने प्रणाम किया कि गुरुदेव, तो गुरु द्रोण ने पूछा कि आप कौन हो? तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, एकलव्य हूँ। तो कहने लगे, मेरा शिष्य? मैं तो क्षत्रियों के सिवाय किसी को शिक्षा ही नहीं देता। तो एकलव्य जाकर के उनको वहां ले जाता है जहां पर गुरु द्रोण की उसने मूर्ति स्थापित कर रखी थी। तो मूर्ति स्थापित कर रखी थी और उसके सामने वो अपना धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। और एकलव्य ने कहा कि आपने मुझे अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, और मैं आपकी मूर्ति के समक्ष ही हमेशा अभ्यास करता हूं। तो गुरु द्रोण को चिंता हुई कि तो एकलव्य की धनुर्विद्या को देख करके गुरु द्रोण बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को ही अपना सबसे प्यारा शिष्य मान रखा था और धनुर्धारी मान रखा था, लेकिन ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा भी देगा। तो एकलव्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं जरूर आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, तो बोलो आपको क्या चाहिए, आपके लिए जान निछावर है। तो उस समय पर गुरु द्रोण ने उसे अंगूठा मांग लिया कि मुझे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि दाहिने हाथ से ही तीर खींचा जाता है और तीर चलाया जाता है। तो अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। अब एक क्वेश्चन आपका यह आ सकता है कि परिश्रम के साथ धैर्य की आवश्यकता क्यों है? तो इसके इससे रिलेटेड आपके लेसन में एक स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, और स्टोरी क्या है मैं आपको सुनाती हूँ। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे किसी गांव में, तो उस गांव के बाहर बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए थे। तो महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि महाराज, ये क्या कर रखा है इन्होंने, इतने सारे गड्ढे क्यों खोद रखे हैं? तो उन्होंने किसी गाँव के व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि आपने इतने गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि पानी हमारे गांव में है नहीं, और पानी को प्राप्त करने के लिए हमने इतने सारे गड्ढे खोदे हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ये लोग मेहनती तो हैं, इन्होंने इतनी सारी मेहनत करके ही तो इतने सारे गड्ढे खोदे हैं, लेकिन इनमें धैर्य का अभाव है। इतने ज्यादा गड्ढे खोदने के बजाय अगर ये सिर्फ एक ही गड्ढे को और गहराई तक खोदते तो निश्चित ही इन लोगों को पानी मिल जाता।
तो इस गांव के लोग, जो ये गांव के लोग हैं, इनमें धैर्य की बहुत कमी है। अगर आप प्रेशर में हैं तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के इस प्रेरक प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेशर में तो होना ही है, परिश्रम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें धैर्य को बनाए रखना है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म तो करते नहीं हैं या बाद में करते हैं, उससे पहले ही हम अपने मन में ये कल्पनाएं बना लेते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो काम करें वो भगवान पर छोड़ दें और अच्छा काम करें। अच्छा काम करने का भगवान हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। अपने मन से, अपने कर्म से किसी का अहित न करें, हमेशा अच्छे कामों के लिए प्रवृत्त हों और दूसरों को भी हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें और फल की चिंता बिल्कुल न करें। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता से हिंदी पढ़ने वाले तो परिचित हैं ही, और हिंदी प्रेमी या फिर भारतवर्ष में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता से परिचित नहीं होगा। ये कविता उन्होंने लिखी थी महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, और उस समय पर जब 1857 की क्रांति हुई और हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो क्रांति हुई, उस समय पर बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल ने एक शेर लिखा था, एक छोटी सी कविता लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये जो दो लाइनें हैं, ये सबसे पहले मैंने अपने पिताजी की डायरी में पढ़ी थी जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, और आज फिर आपके लेसन में ये कविताएं, ये जो दो लाइनें आई हैं, इसने मुझे बहुत अधिक भावुक कर दिया है। तो ये लाइनें उस समय पर बहुत क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारियों के लिए ये तो आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1835 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है 19 नवंबर 1835। और जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, तो ये मैंने इसमें से घटा दिया है, उसकी आयु निकल आई है कितने, सिर्फ 22 वर्ष। जब 1857 की क्रांति हुई तो सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ष की थी, और 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इतिहास रच दिया था। उनके पिताजी का क्या नाम था, मोरोपंत, और उनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। तो बचपन में ही इनकी जो माता थी भागीरथी बाई, जब मनु कौन, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, मनु था। जब इनकी माता जी का देहांत हो गया तो इनके पिता मोरोपंत इसको पेशवा के दरबार में उनको ले गए थे, और वहां पर जो पेशवा थे उनका बेटा था नाना साहब, उसके साथ लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी करने सीखी। युद्ध में जो भी तीर चलाए जाते हैं या तलवार चलाई जाती है या बंदूक चलाई जाती है, हर अस्त्र और शस्त्र का उसने प्रशिक्षण लिया, और वो शुरू से ही बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थी। एक बार उसके पिताजी उसको किसी मेले में लेके गए हुए थे, तो वहां पर उसने रास्ते में देखा कि एक हाथी पर सवारी आई हुई है, तो उसने कहा कि पिताजी मैं भी हाथी पर चढ़ूंगी। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, हमारे भाग्य में हाथी की सवारी कहाँ। तो उस समय पर मनु ने छोटी सी अवस्था में ये कह दिया था कि पिताजी आप देखना, मेरे भाग्य में एक नहीं 100-100 हाथियों की सवारी लिखी है। और मनु का ये कहना सत्य भी सिद्ध हुआ। जिस पेशवा के यहाँ पर उनके पिता मोरोपंत उसको लेकर के गए थे, मनु को लेकर के गए थे, उसके प्रयत्नों से राजा गंगाधर के साथ लक्ष्मीबाई की शादी तय हो जाती है। सिर्फ 8 वर्ष उनकी आयु थी जब उनका विवाह हुआ, 8 वर्ष की आयु में ही गंगाधर के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो रानी बन जाती है। और उसका कहा बिल्कुल सच हो जाता है कि पिताजी मेरे भाग्य में एक नहीं लाखों हाथियों की सवारियां हैं।
तो ट्रेजडी कहां पर हुई कि जो गंगाधर राव थे उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, और उससे पहले लक्ष्मीबाई को एक पुत्र प्राप्त हुआ था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उस पुत्र का वियोग वो सहन, इस दुख को महाराज सहन नहीं कर पाए, और जल्दी ही गंगाधर राव की भी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय अंग्रेज भारत में अंग्रेजी कंपनी का साम्राज्य फैला रहे थे, और उन्होंने नियम बनाए हुए थे कि अगर किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हम उसको संरक्षण देंगे और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, और इस संरक्षण के आधार पर वो लोग उन राज्यों को हड़प रहे थे। लैप्स नीति के तहत, डलहौजी की लैप्स नीति के अंतर्गत ये सब चल रहा था। तो उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हुई, तो उस समय पर विधवाओं के लिए एक संस्कार होता था, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार होता है, अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको अपने बाल, सारे सिर के बाल उतरवाने पड़ते हैं और गंजा होना पड़ता है। तो कितनी ट्रेजडी रही होगी कि एक औरत के लिए गंजा हो जाना, और ये मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमति नहीं दूंगी, क्या विधवा को जीने का अधिकार नहीं है। इसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद उन्होंने उसकी पेंशन बांधी, 5,000 रुपये मासिक पेंशन दे देंगे तेरे को, राजकाज सब छोड़ दे और जा यहां से। फिर उन्होंने 10,00,000 रुपये जो उनका बेटा था, उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था उसमें वो इकट्ठे कर रखे थे 10,00,000 रुपये, उसमें से भी अंग्रेजों ने वो भी सारे अपने अंडर ले लिए, और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये दिए। रानी लक्ष्मीबाई शुरू से ही क्रांतिकारी महिला थी, और वे इस अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने जो उनके सहायक थे, उनके मित्र थे, उनके पिता के मित्र थे, जो गंगाधर जी थे उनके मित्र थे, मतलब सबको अपने साथ लेकर के युद्ध का बिगुल बजा दिया। और आप सबको पता है कि 1857 के क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हुई थी, लेकिन आज भी हम सभी आदर से उसका नाम लेते हैं, और ये बातें बताते हुए रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय पर उनका घोड़ा था वो अड़ गया था। रानी लक्ष्मीबाई के पास एक पहले घोड़ा था जो कि किसी भी नाले को पार कर सकता था, लेकिन उस घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है, और उनके पास अब ऐसा घोड़ा था कि जो उस नाले को पार नहीं कर सका। इतने ही देर में पीछे से बहुत सारे अंग्रेज आ गए, और उन्होंने तलवार के साथ रानी लक्ष्मीबाई का वध कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ी, कभी उनके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, उनका सारा शरीर से खून की धाराएं बहने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथ नहीं आने दिया, और एक बाबा जी की कुटिया में जा करके अपना। अब हम पढ़ेंगे सालिम अली के बारे में। सालिम अली मशहूर पक्षी शास्त्री रहे हैं, और उनको इंडिया का बर्ड्स मैन कहा जाता है। ये मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था, 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके मामा का नाम पूछा जा सकता है, अमरुद्दीन था। नाम से स्पष्ट है कि ये मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं, और इनके 5 भाई थे और 4 बहनें थी, और इन सब में ये सबसे छोटे थे, और इनका विवाह 1918 ईस्वी में हो गया था। और इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा क्या होती है, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद लिखना, वो आत्मकथा कहलाती है। उन्होंने लिखी थी फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी एक चिड़िया का गिर जाना। और उन्होंने ये नाम अपनी आत्मकथा को क्यों दिया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक बार वो पक्षियों को उड़ाने के लिए एक एयर पिस्टन उनके पास थी, उसको साफ कर रहे थे, और गलती से वो चल गई, और चलते ही वो एक चिड़िया को जाकर के लगी, और वो चिड़िया वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। और इस घटना से वो इतने आहत हुए कि पक्षी प्रेम उनका इस घटना के बाद से ही जागा। इसके बाद उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऐसी युक्तियां निकाली, ऐसे उपाय निकाले कि पक्षियों को बिना कोई चोट पहुंचाए कैसे पकड़ा जा सकता है। तो 100 से भी ज्यादा अगर क्वेश्चन में आ सकता है ये, तो 100 से भी ज्यादा उनके पास ऐसी विधियां थी। और उन विधियों के नाम में अगर आपसे पूछा जाए कि गोंग एंड फायर और डक्कन विधि किसकी है, तो सालिम अली की है। और उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत उन्होंने हमेशा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, और पशु पक्षी प्रेमी के रूप में उनको जाना जाता है। वो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और उनका निधन हो गया 1987 ईस्वी में। उनको कैंसर नामक बीमारी हो गई थी, और इस बीमारी के चलते उनका निधन हो गया।